नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 12.3 का तीसरा प्रश्न हम करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों इस प्रश्न को। देखिए प्रश्न है, आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह आकृति 12.21 है, इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। यदि ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है और ए पी डी एक और बी पी सी ये दो अर्धवृत्त हैं, तो इसको मानते हैं कि ये जो है अर्धवृत्त हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों देखो क्या करना है, हमें इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये देखो, ये है पूरा वर्ग, ये है एक अर्धवृत्त, ये है एक अर्धवृत्त। तो अगर पूरे वर्ग ए बी सी डी में से ये अर्धवृत्त माइनस कर दें, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल माइनस कर दें, तो बाकी वर्ग में बच क्या जाएगा, सिर्फ ये और ये छायांकित भाग बच जाएंगे, वही हमें चाहिए, है ना। तो इसका मतलब पहले मैं इसको लिख देता हूँ आपके लिए, ताकि आप सबको आसानी से समझ आए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच्चों ये बराबर होगा वर्ग का क्षेत्रफल इसमें से क्या माइनस करेंगे बच्चों, दो अर्धवृत्त माइनस करेंगे, यानी कि दो गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ये दोनों अर्धवृत्त एक जैसे हैं, है ना, इसलिए दो गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो इसको हमने बेटा कैलकुलेट करना है, तो हमारा जो है छायांकित भाग जो हरा हरा है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको। अब वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है बेटा भुजा गुना भुजा, है ना, माइनस दो गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, आधे वृत्त का कितना होगा पाई आर स्क्वायर बटा दो। ठीक है, तो इसको हमने इसको अलग हल करना है, इसको अलग हल करना है, बाद में इनको माइनस करना है। ठीक है बच्चों, देखिए भुजा, अब ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, इसका मतलब ये जो ए बी सी डी वर्ग है इसकी भुजा कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 14 गुना 14 माइनस, यहां देखते हैं क्या होगा, 2 गुना पाई बटा, पाई की वैल्यू नहीं दी हुई प्रश्न में, अगर उन्होंने कहा था कि इस एक्सरसाइज में कहा है पाई की वैल्यू यदि दी गई हो 3.14 तो यूज़ करनी है 3.14, नहीं तो हमेशा 22/7 यूज़ करनी है। तो ये आ गया 22/7 गुना आर स्क्वेयर। बच्चों आर ध्यान से निकालना है, आप ध्यान से सोचना, मैं आपको ज़रा जूम करके ये आकृति दोबारा दिखा रहा हूँ। देखो ये ए बी सी डी एक वर्ग है ना, तो इसमें आप ध्यान से देखो, ये जो वृत्त होगा, ये जो आधा वृत्त है, ये इसका इसका जो सेंटर होगा यहाँ होगा ना, इस भुजा के सेंटर में, तभी यहाँ पे प्रकार रख के इस प्रकार से ये चाप बनाई गई होगी, ये आधा वृत्त ऐसे ही बना होगा। इसका मतलब इस आधे वृत्त का ये व्यास हो गया और ये व्यास है, तो इसका जो मध्य बिंदु होगा वो इस सर्कल का सेंटर होगा। तो मध्य बिंदु का मतलब आधा ए डी पूरी कितनी है 14 सेंटीमीटर का वर्ग है ना, ये 14 सेंटीमीटर का वर्ग था, तो 14 का आधा कितना हो गया 7, इसका मतलब ये आधे में ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, इसका मतलब ये जो अर्धवृत्त है, ये आधा वृत्त जो है इसकी त्रिज्या आ गई 7 सेंटीमीटर। कई बच्चे इसको 14 सेंटीमीटर ले लेते हैं, गलती नहीं करनी बेटा, ये वृत्त है एक देखो ऐसे, तो ये इसका व्यास होगा, ये इसका मध्य बिंदु होगा, 14 का मध्य होता है 7, इसका मतलब क्या हो गया कि अर्धवृत्त की त्रिज्या आ गई 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 7 गुना 7, ये हो गया पाई आर स्क्वेयर बटा 2, तो बटा 2 नीचे आ गया। ठीक है बच्चों, है ना आसान, ओ सॉरी मैं इसको जूम आउट करना भूल गया। तो देखो पाई गुना आर स्क्वेयर 7 गुना 7, ये था नीचे बटा 2, ये हमने लिख दिया बटा 2। अब देखो क्या होता है बेटा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 7 से ये 7 कट जाएगा, तो देखो आगे हमारे पास क्या बचा, आगे हमारे पास बचा ये है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि वर्ग की जो भुजा है वो भी 14 सेंटीमीटर है।
तो 14 गुना 14 होता है 196 माइनस, यहाँ से 2 कट गया, 7 कट गया, 2 कट गया, बाकी बच गया 22 गुना 7, 22 गुना 7 होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों 196 में से 154 हमने माइनस करना है, 6 में से 4 निकाला 2, 19 में से 15 निकाल दिए 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों क्या हुआ, ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यही इस प्रश्न का उत्तर है, हमें इस प्रश्न में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था। देखो कहा था छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, बेटा कैसे निकाला, बहुत आसान था, वर्ग के क्षेत्रफल पूरे वर्ग में से, पूरे वर्ग में से हमने एक अर्धवृत्त ये और एक अर्धवृत्त ये, इनका क्षेत्रफल माइनस कर दिया, तो बाकी ये शेडेड पोर्शन छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। और वर्ग का क्षेत्रफल था भुजा गुना भुजा, अर्धवृत्त होता है पाई आर स्क्वायर बटा दो, दो अर्धवृत्त थे एक यहाँ, तो उसको दो से गुना कर दिया। और बेटा अर्धवृत्त की त्रिज्या हमें प्रश्न में कहीं नहीं दी हुई है, तो हमने ये देखा ये अर्धवृत्त कैसे बना, इस भुजा ए डी को व्यास मानकर, तो ए डी व्यास होगा तो त्रिज्या कितनी होगी, ए डी का आधा, ए डी है 14 सेंटीमीटर, उसका आधा होता है 7 सेंटीमीटर, तो वहाँ से हमारे पास ए डी ए जो अर्धवृत्त है उसकी त्रिज्या आ गई 7 सेंटीमीटर, उसका प्रयोग करके हमने इस प्रश्न का हल किया है। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को भी अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसे लाइक कर सकते हैं और वहाँ पर अन्य प्रश्नों के वीडियोस देखकर आप अच्छे से समझ सकते हो। यदि वीडियो आपको समझ आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।